जिंदाबाद। मेरा नाम नदीम अख्तर है और मैं डॉक्टर ए वी वालिया मेमोरियल ट्रस्ट में था। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मिला एसएफडी का, तो हम लोग दिल्ली यूथ क्लस्टर में हैं जो कि ओखला में है। और इसमें एसएफडी से जुड़ने से पहले भी हम जितने भी संवैधानिक मूल्यों पे उस पर काम तो कर रहे थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का मौका हमें एसएफडी के साथ मिला, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने किए लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास वो चीज़ें थी कि हमें संवैधानिक मूल्य को ध्यान रखना। जब हमें प्लेटफॉर्म मिला तो हमने और अच्छे से इसे काम किया ऑर्गेनाइज वे में होकर, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले भी निखिल डे जी और अरुणा रे मैडम के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने पार्टिसिपेट करते थे और लगता था कि हमें कुछ ऐसा टाइम देना चाहिए कि सोसाइटी को हम कुछ दे पाएँ। तो इसमें जोड़ने के बाद हमें बहुत अच्छा मौका मिला और इसके लिए हमने जो संवैधानिक मूल्यों से हम बात करते हैं कनेक्ट करने की, तो इसमें एजुकेशन पर काम किया, क्योंकि यूथ क्लस्टर है तो यूथ के लिए एजुकेशन के जो लोग ड्रॉप आउट्स थे उन्हें हम लोगों ने स्कूल में एनरोल कराने की कोशिश की। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो लोग यूथ बिगड़ जाते हैं एक एज में आके, तो वो सिर्फ रोज़गार की वजह से, तो हमने प्लेसमेंट का भी एक पार्ट लिया, उन्हें लाइफ स्किल सेंटर से कनेक्ट किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और बहुत अच्छा मज़ा आया हमें ये काम करने में। और उसके बाद इनको वैल्यूज़ लाइफ स्किल लॉट्स ऑफ थिंग्स वी प्रोवाइडेड देम। और जो यूथ हमारे कनेक्शन में नहीं थे उन तक भी हमने अप्रोच की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ दिल्ली में और बिग सिटीज़ में जो लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं वो NIOS में एडमिशन लेते हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर भी मिला। हमने SFD के थ्रू वहाँ जाकर उनकी काउंसलिंग की, संवैधानिक मूल्यों पर बात की और उनकी सोच बदलने की कोशिश की कि किस तरह से वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और कैसे अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, वो एक अच्छे नागरिक बन के दिखाएं। तो हम लोग अपने फेलोज के साथ, क्योंकि 10 फेलोज थे हमारे साथ 2 साल तक, अभी तीसरा साल चल रहा है तो अभी 12 फेलोज हो गए हमारे साथ, तो उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना और एक इसमें फेलोज को भी एक एनर्जी मिली कि हर कोई काम तो करना चाहता है लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते, तो एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू हम लोगों ने अपनी जितनी भी स्किल्स थी, जो भी हम करना चाहते थे वो हमने करके दिखाया। और इसमें ये वर्कशॉप जो होती हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप जो होती हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ फेलोज थे वो भी या तो स्टडी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जॉब में थे पार्ट टाइम फेलोज, तो उन्हें भी एक समझ बनी संविधान के बारे में और उसके बाद उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग जाल बिछा दिए काम करने के लिए, क्योंकि ये तो लिमिटेड पीरियड के लिए है लेकिन हमें काम आगे तक करना है अगर हम अच्छे सोशल वर्कर हैं और हम कंटिन्यू भी रखेंगे। इसके लिए हमने एक जो हमारे पहले साल में फेलो बनी थी जोहरा नाम की, तो उसने एक ग्रुप बनाया ओखला इन्फॉर्मेशन ग्रुप, तो उसमें अभी कम से कम 150 लोग शामिल हैं। उसमें कुछ कंपनीज़ के HR भी हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग उसमें शेयर करते हैं और जो लोग भी मेंबर उसमें शामिल हैं वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक तरह से एक स्प्रेड कर रहे हैं मैसेज को। इसके बाद हमें और मौका मिला, शबनम हाशमी मैडम हमसे मिली, वो भी SFD के प्रोग्राम में भी हमसे मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका एक इनिशिएट है अनहद ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती हैं वो, लेकिन हमें जब भी मौका मिलता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमने काम किया, तो उसमें उनका एक इनिशिएट था मेरे घर आकर तो देखो, तो हमने उसमें जुड़े और तकरीबन 150 फैमिलीज़ को कनेक्ट किया, जो हिंदू फैमिलीज़ थी मुसलमानों के घर पहुँची, मुसलमान हिंदुओं के घर पहुँचे, एक नफ़रत मिटाने का काम किया गया और प्यार बढ़ाने का, और जितनी भी नफ़रतें हैं और जो जितने भी डाउट्स थे इस माध्यम से हमने दूर करने की कोशिश की। और एक और प्रोग्राम हमने किया क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, पैगाम मोहब्बत, नफ़रत हटाओ और संविधान बचाओ, इस तरह के एक इनिशिएट था, उससे भी जुड़े हम और इसी को हमने ओखला में भी शुरू किया जिसमें हमने कल्चरल इवेंट्स किए और उसमें हमने इलाके के जो सिंगर डांसर एक्टर उन्हें सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि एक कल्चरल चीज़ ऐसी है जहाँ पर लोग आएँ और अपनी बात करें लेकिन वो तब उनके मतलब के यूथ की बात करेंगे तब वो आपकी बात सुनेंगे। तो हमने वहाँ पर गाने बजाने के साथ साथ उसके साथ साथ हमने पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान की प्रस्तावना से प्रोग्राम शुरू किया, तो लोग बहुत शॉक्ड हो गए वहाँ पर कि ये क्या है, पहली बार देखने को मिला, हमारे लिए भी नई चीज़ थी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसमें। और हमारा मकसद यही होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आएँ और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किस तरह से वो आगे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और वो सब लोग हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं और ये फेलोशिप ख़त्म भी हो जाती है तब भी हम अपने काम को जारी रखेंगे और निखिल डे अरुणा मैडम जैसे भी प्रोग्राम करती हैं, शबनम हाशमी मैडम, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और या SFD से कोई भी हमारे पास इन्विटेशन आएगा तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। और हमारे पास एक वॉलेंटियर्स की चेन है
जो इस काम को जारी रखेगी। तो क्योंकि हम संवैधानिक मूल्यों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अधिकार हमारा यही है जो यूनिवर्सल है कि खाने के लिए हो, हमारे पास रहने के लिए जगह हो, सर चपाने के लिए रोज़गार हो, एजुकेशन हो। हमने वो सारे मुद्दों को कोशिश की है किसी हद तक उस इलाके से दूर कर सकें जो भी परेशानी आती है, और उसके लिए हमें काफ़ी सक्सेस भी मिला। और टाइम टू टाइम हम लोगों ने यहाँ वर्कशॉप्स की, भीम गए, कन्याकुमारी गए, और नए नए पहलुओं जो ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, इनके बहुत सारे सेंटर हैं SFD के, तो नए नए लोगों से मिले। एडवोकेट क्लस्टर है, हमें 2 एडवोकेट्स भी दिए गए थे कि अगर कोई मुद्दे हैं इलाके के, उनसे अगर कोई परेशानी आती है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपका मसला हल करेंगे। तो हमने उनके ज़रिए भी 2-3 सेशन कराए जिसमें RTI को लेकर बात की गई, अवेयरनेस कराया गया हम लोगों को। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ SFD का, जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को, और एक प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ हमें एक गाइडेंस भी मिली जिसके थ्रू हम आगे काम कर सकते हैं, और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम भी SFD को अप्रोच करेंगे। और जितने भी लोग हमारे फेलोज़ बने हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं बना ली हैं। अभी जैसे मेन जैसे बालिका ट्रस्ट से मैं जुड़ा था, तो उनका मेन मुद्दा ही यही था कि हम जो भी काम कर रहे हैं एक समाजी भलाई के लिए, यूनिटी के लिए, कि कोई मज़हब का कोई भेदभाव ना हो, और SFD का भी यही पॉलिसी थी। तो हमें काम करने में और ज़्यादा मज़ा आया SFD के साथ, और एक कॉन्टेक्स्ट हम लेके चले, दैट वाज द अपकमिंग इलेक्शन और 2024, क्योंकि एक ज़रूरी है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक अच्छी सरकार को चुने। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए या कौन सी हटनी चाहिए, एक समझ बनाने के लिए हमने कोशिश की है कि जो भी आप इलेक्शन में चुने, वोट डालें, कास्ट करें, तो ऐसे लोगों को चुने जो सरकार अच्छे से काम करे और नफरतों को ना बढ़ने दे, और उसके लिए मीडिया के लिए और जागरूक करना के यूथ के साथ के मीडिया कैसे चीज़ों को भड़का रही है, कैसे आज के टाइम में लोग गुमराह हो रहे हैं, और मीडिया का क्या रोल हो सकता है डेमोक्रेसी में। जो चीज़ें भी हमने यहाँ पर SFD के सेशन में सुनी, और वो चीज़ें हमने अपने यूथ के थ्रू कम्युनिटी में फैलाने की कोशिश की। टाइम टू टाइम सर्वे करना, विजिट करना, होम विजिट करना, प्रोग्राम्स करना, सेमिनार्स करना, तो ये एक हमारा हिस्सा रहा है, और हम इसमें काफ़ी कामयाब हुए हैं। और बस यही है कि हम और आगे इसे अगले स्टेप पर कैसे ले जा सकते हैं। अभी जैसे 2024 में इलेक्शन है, उसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हम अभी कैंप लगाने वाले, उसके लिए मीटिंग भी की थी हमने, और जितने भी लोगों के आधार कार्ड नहीं है या कुछ करेक्शंस हैं या इलेक्शन ID नहीं है किसी का, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कोई एक मुद्दा नहीं था, SFD पे जोड़ने के बाद हमें ये पता चला कि हमने जब जोड़े थे, हमारा मकसद सिर्फ ये था एजुकेशन पर काम करना, लाइफ स्किल की क्लास प्रोवाइड कराना और प्लेसमेंट करना। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते रहे, हमें जो भी इलाके के इशू लगे हमने उसे उठाया और उस पर काम करना शुरू किया। उसमें से एक इशू था ये, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हमने बहुत सारे सेशंस में की, तो हम उसमें भी काफ़ी कामयाब हुए। अभी प्राइड था जंतर मंतर में, उसमें हमारे फेलोज़ ने हिस्सा लिया, और ये नई समझ बनी लोगों की, क्योंकि हमारे फेलोज़ भी कुछ घृणा करते थे, कुछ लोग एक समझ बन जाती कि ट्रांसजेंडर है तो उससे दूर रहना है। तो एक जब प्राइड में शामिल हुए, एजिटेशन में उनके साथ जाकर, तो उनकी समझ बनी, उन लोगों से बात की, फ़ोटो खिंचाए। तो क्योंकि ऑल आर इक्वल, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए, जिसके लिए हमने काम किया, और हमें लगता है कि हम आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और जो हमारी जो प्रोग्राम चल रहे थे उसे अगले लेवल पर डेफिनेटली लेके जाएंगे, और जो प्लेसमेंट, स्किल क्लासेस और एजुकेशन, हम कहीं भी रहेंगे हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, और जो नफरतें हटाने का काम है हम अपने लेवल पे जो भी बेस्ट होगा वो ज़रूर करेंगे, और पैगाम में मोहब्बत और मेरे घर आके तो देखो, ये इनिशिएट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। एंड थैंक यू सो मच टू SFD टू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।